Hello everyone. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is NCERT 5.3 exercise derivative of inverse trigonometric function. Student, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर CBSE बोर्ड. देखिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स एंड डोमेन गिवेन है 0 से पाई बाई 2. देखिए क्वेश्चंस को बताने का रीजन है कि यहाँ पर ये डोमेन गिवेन है तो बच्चे जनरली इसे तो सॉल्व कर देते हैं बट डोमेन को यूज नहीं करते हैं. तो विदाउट डोमेन अगर आप करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व तो 1 मार्क्स जो है वो कम मिलेगा. देखिए सबसे पहले आप जानते हैं यहाँ पर कि अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 की जगह पे आप पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई टू एंड कॉस एक्स बाई टू. तो बेटा ये सिंप्लीफाई करके a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो लिख सकते हैं साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, राइट. अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट करना है. देखिए 1 आइडेंटिटीज होती है, 1 की जगह हमने लिखा हाफ एंगल में. क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स है. अगर साइन टू एक्स होता तो इसे हाफ एंगल में नहीं लिखते, तब लिखते साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, राइट बेटा. अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे तो मॉड यूज करेंगे और विदाउट मॉड आप करेंगे तो रॉन्ग हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मॉड यूज करना होगा. मॉड साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ मॉड यूज करेंगे, राइट बेटा. आप ध्यान से देखिए या तो ये मॉड पॉजिटिव ओपन होगा और या तो निगेटिव. तो इसके लिए हमें डोमेन गिवेन है, ठीक है. ये देखिए ना यहाँ पर ये डोमेन गिवेन है 0 से पाई बाई 2 एक्स बिलोंग्स टू. तो मॉड को देखना होगा ये पॉजिटिव ओपन होगा कि निगेटिव ओपन होगा. तो यहाँ पर बेटा गिवेन है कि एक्स लेस देन पाई बाई 2 एंड ग्रेटर देन 0 ओपन इंटरवल, बट दिस इज एक्स बाई 2 बेटा. ये एक्स बाई 2 है और हमारे पास एक्स गिवेन है तो 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे. तो एक्स बाई 2 पाई बाई 4. देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक्स बाई 2 का कंस्ट्रक्शन करना है तो 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड, ठीक है. टोटल आपने इसमें 2 से क्या कर दिया? डिवाइड, क्लियर. अब देखिए यहाँ पर ये बिलोंग करने लगा 0 एक्स बाई 2 पाई बाई 4, ठीक है. अब एक्स बाई 2 हियर साइन है. साइन एक्स बाई 2 जो है मतलब जब साइन एक्स है तो यहां पर ये वैल्यू क्या करेगी? साइन की वैल्यू क्या होगी? लेस होगी और कॉस की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि देखिए 0 टू पाई बाई 4 में कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू से ग्रेटर देन होती है. तो इस केस में कॉस एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन साइन एक्स बाई 2 होगा और बोथ आर क्या होंगे? पॉजिटिव. ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है. दोनों ही क्या होंगे? पॉजिटिव और पॉजिटिव, क्लियर बेटा. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ओपन होगा पॉजिटिव साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, यानी ये मॉडुलस जो है वो ओपन किया जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2. सिमिलरली बेटा यहां पर है मॉड मतलब अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स. तो इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2. तो यहां पर बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो यहाँ मॉड ओपन होगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2. अब देखिए इस केस में तो इफेक्ट नहीं पड़ा था बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव थे तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 पॉजिटिव ही ओपन हुआ था बिकॉज 0 टू पाई बाई 4 में बोथ आर पॉजिटिव है. बट इस केस में देखिएगा फर्क पड़ेगा प्लस और माइनस के केस का. तो देखिए यहां पर क्या हुआ
एक्स गिवेन है इस केस में 0 टू पाई बाई टू, एक्स बाई टू करेंगे तो 0 टू पाई बाई फोर हो जाएगा, बट साइन की वैल्यू जो है वो लेस देन होगी बेटा। देखिए ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर गिवेन है कि जो एक्स है वो पाई बाई टू से ग्रेटर देन 0 है, तो 0 बाई टू एक्स बाई टू और यहां हो जाएगा पाई बाई फोर। साइन एक्स बाई टू की वैल्यू क्या होगी इस केस में, लेस देन होती है कॉस एक्स बाई टू से। देखिए साइन 0 से पाई बाई फोर के केस में साइन की वैल्यू लेस देन होती है कॉस से, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो साइन की वैल्यू लेस देन होगी, तो यानी ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन है। आप ध्यान से समझिएगा, ये वैल्यू यहां पर क्या है, कॉस एक्स बाई टू इज ग्रेटर देन साइन एक्स बाई टू, तो ये वैल्यू ये यहां पर लेस देन है और ये वैल्यू ग्रेटर देन है, तो ये वैल्यू निगेटिव ओपन होगी, तो इसे लिखा जाएगा माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है, माइनस कॉस एक्स बाई टू, क्लियर। तो देखिए यहां पर ये वाला मॉड पॉजिटिव ओपन हुआ था, यहां पर ये वाला मॉड निगेटिव ओपन हो गया, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है, देखिए यहां पर क्या वैल्यू रखेंगे, यहां वैल्यू रखेंगे दिस वन, और यहां पर क्या वैल्यू रखेंगे, माइनस साइन एक्स बाई टू एंड माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स बाई टू, क्लियर। तो देखिए यहां पर जो वैल्यू रखने वाले हैं उसका स्पेस यहां बना लेते हैं बेटा, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चंस में y इक्वल टू क्या है, कॉट इनवर्स, ठीक है बेटा, यहां पर वैल्यू आ गई साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, और यहां पर वैल्यू आएगी माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। और देखिए यहां पर बेटा माइनस लगा हुआ है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखिए ना ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहां देखिए बीच में यहां मिडिल में माइनस साइन है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहां पर कॉस से कॉस कैंसिल, यहां पर साइन से साइन कैंसिल, वाई इक्वल टू हो गया कॉट इनवर्स कॉस एंड कॉस टू कॉस एक्स बाई टू एंड अपॉन टू साइन एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा बेटा कॉट एक्स बाई टू बन जाएगा, और कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा यहाँ पे एक्स बाई टू, तो इसका डी वाई डी एक्स क्या आएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आंसर इज 1/2, क्लियर। तो देख लीजिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो मैंने फॉर्मेट बताया कि अगर आप डोमेन यूज नहीं करेंगे तो आंसर रॉन्ग ही आएगा, ठीक है, इसलिए डोमेन यूज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा मिसलेनियस का है, मिसलेनियस में ऑलरेडी गिवन था ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा टेन इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई फोर टू माइनस पाई बाई फोर, डोमेन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब डोमेन अगर डोमेन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे तो इजी रहता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले y इक्वल टू गिवेन है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर y इक्वल टू टेन इनवर्स x, अब cos x से डिवाइड कर देंगे जिससे यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ tan x, तो देखिए डिवाइडेड बाई क्या करेंगे कॉस एक्स,
तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, या यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपने कॉस एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पर बनेगा वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स। तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ, देखिए वन को क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई फोर, तो वन को टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं, तो टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स वन माइनस टेन पाई बाई फोर, इसे वन का मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 10 से 10 इनवर्स जब कैंसिल होता है, जब ये वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बिलोंग करेगी, क्योंकि आपको 10 इनवर्स के लिए मैंने बताया था कि अगर ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बिलोंग करेगा तो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ डोमेन गिवन है, एक्स पाई बाई फोर से माइनस पाई बाई फोर है, और देखिए यहाँ पर एक्स में पाई बाई फोर ऐड कर रहे हैं, तो इसमें पाई बाई फोर ऐड कर दीजिए, तो पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर एक्स प्लस पाई बाई फोर एंड हियर पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, एक्स प्लस पाई बाई फोर और यहाँ आ जाएगा पाई बाई टू, तो दिस वैल्यू बिलोंग्स टू कितना हो रहा है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू की रेंज में आ रही है वैल्यू, ठीक है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा, टेन से टेन कैंसिल करेंगे तो इनवर्स से 10 कैंसिल होगा, तो पाई बाई फोर प्लस एक्स। अब डी बाई डी एक्स करेंगे तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और x का 1, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 1, क्लियर। इसको भी नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, y इक्वल टू टेन इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, और x बिलोंग्स टू है माइनस पाई माइनस 1 बाई रूट 6 से 1 बाई रूट 6 प्लस, ठीक है। तो यहाँ बेटा फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो लिख सकते हैं इसे टेन इनवर्स 5x को लिख सकते हैं बेटा 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x इंटू 3x, तो ये वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स, देखिए फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला होता है बिकॉज टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस, देखिए दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो यहां पर बेटा आ जाएगा वाई इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स प्लस टेन इनवर्स थ्री एक्स, क्लियर। अब देखिए यहां पर ये फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x का, अब यहाँ पर ये वैल्यू 2x है और यहाँ पर ये वैल्यू 3x है, तो बेटा यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, देखिए टेन इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x, यानी फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, तो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 3x है, और डोमेन दे रखी माइनस वन बाई रूट सिक्स से वन बाई रूट सिक्स, अगर हम 2x की बात करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब 3 से करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पर डोमेन गिवे ना x लेस देन वन बाई रूट सिक्स से माइनस वन बाई रूट सिक्स, जब 2x बनाएंगे
तो माइनस टू अपॉन रूट सिक्स टू एक्स टू अपॉन रूट सिक्स, और इसी तरीके से जब थ्री एक्स करेंगे तो यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी माइनस थ्री अपॉन रूट सिक्स थ्री एक्स थ्री अपॉन रूट सिक्स। तो देखिए ये वैल्यू अगर आप कैंसिल करेंगे, ठीक है, और यहाँ ये वैल्यू कैंसिल करेंगे तो ये माइनस पा बाई टू से पा बाई टू के बीच में ही आएगी। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर एंड टू एक्स का रीडिफरेंशिएशन टू प्लस वन अपॉन वन प्लस थ्री एक्स का होल स्क्वायर रीडिफरेंशिएशन थ्री। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ टू प्लस थ्री अपॉन वन प्लस नाइन एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ठीक है, इसे लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर y इक्वल टू टेन इनवर्स x की पावर वन बाई थ्री प्लस a की पावर वन बाई थ्री अपॉन वन माइनस ए एक्स की पावर वन बाई थ्री, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो बेटा हम इसे क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस बिकॉज, ठीक है, लिख सकते हैं बिकॉज वी हैव टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे तो लिख सकते हैं बेटा टेन इनवर्स एक्स की पावर वन बाई थ्री प्लस टेन इनवर्स ए की पावर वन बाई थ्री। देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ए की पावर वन बाई थ्री एंड एक्स की पावर वन बाई थ्री। तो यहाँ डी वाई डी एक्स कितना आ जाएगा, देखिए इसमें करेंगे तो वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर वन बाई थ्री का होल स्क्वायर एंड डी वाई डी एक्स एक्स की पावर वन बाई थ्री, दिस इज अ कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएशन इज जीरो। तो टोटल आंसर क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन x की पावर 2 बाई थ्री। अब यहाँ पर रीडिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 बाई थ्री एक्स की पावर माइनस 2 बाई थ्री। तो टोटल आंसर बनेगा 1 बाई थ्री वन प्लस एक्स की पावर 2 बाई थ्री और यहाँ पर x की पावर 2 बाई थ्री प्लस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x माइनस 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 13, फाइंड डिवाइड x। ठीक है, देखिए यहां पर भी ये फॉर्मूला बन रहा है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स लिख सकते हैं इसे बेटा एक्स इंटू टू बाई रूट थर्टीन, ठीक है, माइनस थ्री बाई रूट थर्टीन और अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बिकॉज कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। देखिए ना फॉर्मूला होता है ना, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए
साइन बी। तो देखिए अगर यहाँ पर ये एक्स है तो ये वाई, यहाँ लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई की वैल्यू 2/√13, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - x² और 1 - 4/13। ठीक है, देखिए 13 में से 4 गया तो 9, और 9 क्या हो जाएगा 3/√13, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कितना है यार बेटा 2/√13। ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी 3/√13 के इक्वल। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पर बेटा y की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2/√13। देखिए दिस इज अ x, दिस इज अ y, तो यहाँ पर y इक्वल टू कितना आ गया, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2/√13। डीवाई dx करिए डिफरेंशिएशन, तो इसका होगा -1/√1 - x² और ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इक्वल टू टेन इनवर्स √1 + x² प्लस √1 - x² अपॉन √1 + x² माइनस √1 - x² एंड एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, फाइंड dy अपॉन dx। देखिए इस क्वेश्चन को भी समझिए बेटा, यहाँ पर आप जानते हैं एक्स स्क्वायर की जगह पर हम पुट कर सकते हैं cos 2 थीटा, बिकॉज cos 2 थीटा फॉर्मूले की आइडेंटिटी से 1 को सिंप्लीफाई करने के लिए 1 को टर्मिनेट कर सकता है ना, तो 1 को टर्मिनेट करने के लिए एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, cos 2 थीटा। ठीक है, तो बेटा बिकॉज वी हैव यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 + x² से, तो यहाँ पुट करेंगे बेटा एक्स स्क्वायर की जगह पर cos 2 थीटा, तो यहाँ जाएगा 1 + cos 2 थीटा और cos 2 थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 2 cos² θ - 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और बेटा यहाँ जाएगा √2 mod cos θ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गिवेन है कॉस थीटा, अब ये बेटा मॉड है और इसे सिंप्लीफाई करने के लिए डोमेन की जरूरत पड़ती है। एक्स कितना गिवेन है, 1 से -1, स्क्वायर देखिए स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 to 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 to 1, और कॉस 2 थीटा पुट किया गया है तो यहाँ आएगा कॉस 2 थीटा 1 और बेटा ये वैल्यू है कॉस 90 की और कॉस 2 थीटा और ये वैल्यू है कॉस 0 की। ठीक है, अब कॉस से कॉस निगलेक्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है क्योंकि कॉस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो यहाँ बेटा 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 थीटा और यहाँ π/2, तो यहाँ पर देखिए हमें थीटा बनाना है तो ये 2 थीटा है, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 से π/4। अब आप जानते हैं 0 to π/4 पर cos थीटा पॉजिटिव होगा तो वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव। क्लियर ना, 0 to π/4 में cos थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव ओपन होगा, तो ये कैसा ओपन हुआ, पॉजिटिव। क्यों ओपन हुआ, क्योंकि 0 to π/4 बिलोंग कर रहा है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से √1 - x², यहाँ पर 1 - cos 2 थीटा होगा और 1 - 1 + 2 sin² θ, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा √2 sin² θ और यहाँ वैल्यू बनेगी √2 sin θ। अब बेटा थीटा कितना बिलोंग कर रहा है,
जीरो टू पाई बाई फोर, तो ये वैल्यू भी क्या ओपन होगी, पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट पे होता तो भी पॉजिटिव होता, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट पे ये वैल्यू जा रही होती तो ये वैल्यू कैसी होती, नेगेटिव। इसलिए डोमेन इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, ठीक है। रूट टू साइन थीटा, ये भी पॉजिटिव ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो बेटा यहाँ आ गया वाई इक्वल टू टेन इनवर्स, ये वैल्यू आ गई रूट टू कॉस थीटा प्लस रूट टू साइन थीटा अपॉन रूट टू कॉस थीटा माइनस रूट टू साइन थीटा। रूट टू कैंसिल हो जाएगा, रूट टू कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो जब कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई रूट टू कॉस थीटा। और बेटा ये फॉर्मूला बना टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा, टेन से टेन कैंसिल जब होगा, जब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बिलोंग करेगा। तो देखिए यहाँ थीटा कितना बिलोंग कर रहा है, जीरो टू पाई बाई फोर, तो यहाँ पर भी डोमेन यूज हो रही है, तो थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई फोर, देखिए ना जीरो टू पाई बाई फोर। अब हम यहाँ पर थीटा प्लस पाई बाई फोर का कंस्ट्रक्शन करना है, तो पाई बाई फोर आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ जाएगा थीटा प्लस पाई बाई फोर और यहाँ पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर, तो ये वैल्यू बन जाएगी पाई बाई फोर थीटा प्लस पाई बाई फोर और ये वैल्यू जीरो। तो यानी ये वैल्यू बिलोंग कर रही है, सॉरी जीरो नहीं, सॉरी पाई बाई टू, ठीक है पाई बाई टू। तो पाई बाई फोर से पाई बाई टू बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यानी ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई फोर प्लस थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे, थीटा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर और वन बाई टू कॉस इनवर्स, ठीक है। टोटल कितना बन गया ये वैल्यू, वाई इक्वल टू पाई बाई फोर प्लस वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, और ये क्वेश्चन आपको पता है ये रिपीट हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, सेकेंड चैप्टर का ही सेम क्वेश्चन है, उसी के बाद वहां पे डिफरेंशिएशन कर दिया गया है। तो अब डी वाई डी एक्स करेंगे, तो पाई बाई फोर का कॉन्स्टेंट का क्या होता है, जीरो, कॉस इनवर्स का निगेटिव होता है, माइनस वन बाई टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो फोर हो जाएगा, ठीक है। पावर क्या आ जाएगी, फोर, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन बाई टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वन बाई टू, तो ये वन बाई टू कॉन्स्टेंट वाला है, एक्स स्क्वायर का माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो टू एक्स, बेटा टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल आंसर इसका आगे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स की पावर फोर, ठीक है। लिख लीजिए आप इसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में है, और डोमेन यूज करना आप सीखिए बेटा। देखिए डोमेन यूज कैसे करते हैं, मॉड कॉस थीटा है, मॉड को ओपन करने के लिए डोमेन की जरूरत पड़ेगी, मॉड साइन थीटा है, डोमेन की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए जो कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है वो डोमेन के क्वेश्चनों पे इसी तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप क्वेश्चनों में डोमेन यूज करना एक्सपर्ट बन गए तो आपके क्वेश्चन हमेशा करेक्ट निकलेंगे। देखिए डोमेन अगर नहीं यूज करते हैं तो हमेशा प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। देखिए मैं एक क्वेश्चन और जनरली बताता हूँ, सिंपल क्वेश्चन बताते हैं डोमेन का यूज करने में। y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट वन माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन, फाइंड
डी वाई डी एक्स, ठीक है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है ये, बिकॉज वी हैव साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। तो आप इसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, गिवेन है हमें वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ये लिखा हुआ बेटा एक्स, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं वन माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। फिर हो जाएगा माइनस का अंडर रूट एक्स, ठीक है, अंडर रूट एक्स यानी दिस वन। तो यहां हो जाएगा अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। तो दिस इज अ इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई डी एक्स, साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर और डी वाई डी एक्स अंडर रूट एक्स का रीडिफरेंशिएट। तो वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स, ठीक है, और रूट एक्स का वन बाई टू अंडर रूट एक्स। दिस इज अ आंसर, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है बेटा। यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही आ चुका है एग्जामिनेशन में, ठीक है, कई बार आया हुआ है। गिवन होता बेटा हमें क्वेश्चन कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ बेटा डी वाई डी एक्स फाइंड करना है तो हम इसमें पुट कर देंगे एक्स की जगह पे साइन ए, वाई की जगह साइन बी, बट दोनों फंक्शन सेम रखेंगे, साइन ए साइन बी या कॉस ए कॉस बी, बट एक साइन और एक कॉस में नहीं पुट करेंगे, दोनों साइन होने चाहिए या तो दोनों कॉस, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देंगे एक्स की जगह पर साइन ए एंड वाई की जगह पर साइन बी, दोनों ही सेम फंक्शन होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, या तो दोनों साइन पुट करिए या तो दोनों कॉस, ठीक है, बट एक साइन और एक कॉस नहीं पुट करेंगे। तो यहाँ बनेगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर बी ए साइन ए माइनस साइन बी। तो दिस इज अ अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस ए। अब मॉड में इसलिए नहीं ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि डोमेन नहीं गिवेन है, डोमेन गिवेन होती तो हम डोमेन में मॉड अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। डोमेन गिवेन होती यहाँ पर तो मॉड अप्लाई करना पड़ता, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस बी बटा ए साइन ए माइनस साइन बी। तो बेटा यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस ए प्लस बी बाई टू एंड कॉस ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी का, तो टू कॉस ए प्लस बी बाई टू एंड साइन ए माइनस बी बाई टू। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और साइन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कॉस अपॉन साइन, ठीक है,
इक्वल टू ए, तो दिस इज अ कॉट, दिस कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा कॉट, तो कॉट ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू ए, देन ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू कॉट इनवर्स ए, एंड ए माइनस बी इक्वल टू टू कॉट इनवर्स ए, बेटा ए इज साइन इनवर्स एक्स, बी इज साइन इनवर्स वाई, तो ए की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू साइन इनवर्स वाई, तो यहाँ आएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू टू कॉट इनवर्स ए। अब हम इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो बेटा यहाँ आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और कॉन्स्टेंट का जीरो, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो, तो बेटा ट्रांसफर करिए तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ट्रांसफर करने पे आएगा अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है आप इसे नोट कर लीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन x अपॉन वन प्लस कॉस x, और x बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई, फाइंड डिवाइड x, ठीक है बड़ा इसमें फाइंड डिवाइड अपॉन डी एक्स, ठीक है सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज, तो यहाँ पर टेन इनवर्स है साइन एक्स का फॉर्मूला, देखिए ना यहाँ पर साइन एक्स का फॉर्मूला टू साइन एक्स बाई टू एंड कॉस एक्स बाई टू, और यहाँ पर टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, बेटा ये फॉर्मूला इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये वन से वन निगलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ टू से टू कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, देन y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस, ठीक है दिस इज अ वैल्यू ऑफ टेन एक्स बाई टू, टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू, तो देखिए ये इससे कैंसिल जब भी होता है टेन इनवर्स से टेन, जब ये माइनस पा बाई टू से पा बाई टू बिलोंग करेगा, तो डोमेन गिवेन है पाई से माइनस पाई, बेटा ये एक्स बाई टू है तो टू से डिवाइड कर दीजिए, क्लियर देखिए बिलोंग कर रहा है एक्स बिलोंग्स टू कितना कर रहा है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा एक्स बाई टू, और जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वन बाई टू इज आंसर, क्यों एक्स का वैल्यू क्या हो गया वन, ठीक है क्लियर हुआ बेटा। तो देखिए जो डोमेन है उसमें यूज करना जरूरी है आपके लिए, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, ठीक है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स,
तो बेटा देखिए, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक डोमेन पार्टिकुलर गिवेन होती है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स से साइन जब भी कैंसिल होता है, जब एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्लोज होता है। इसी तरीके से कॉस इनवर्स से कॉस जब भी कैंसिल होता है, जब जीरो से पाई होता है। तो डोमेन आर डी शर्मा के अगर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप मॉडुलस को प्लस ओपन कर देते हैं ऑलवेज, लेकिन उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडुलस नेगेटिव भी ओपन होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप पुट क्या कर सकते हैं, एक्स जगह ए कॉस टू थीटा, देखिए ए है ना, ए कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या पुट करेंगे, आइडेंटिटी बनाने के लिए ए कॉस टू थीटा पुट करेंगे, बिकॉज ए कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और वन को कैंसिल करने के लिए कॉस टू थीटा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर वाई इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट ए माइनस ए कॉस टू थीटा अपॉन ए प्लस ए कॉस टू थीटा। तो वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ए कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस कॉस टू थीटा, ए कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया गया बेटा। अब यहां पर आ जाएगा अंडर रूट वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन से वन कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो बेटा वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स। ठीक है, यहां पर आएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जिसे आप बेटा लिखेंगे अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू बनेगी टेन इनवर्स मॉड टेन थीटा। ठीक है, मॉड टेन थीटा। अब देखिए ये पॉजिटिव ओपन होगा कि नेगेटिव, उसके लिए आपको डोमेन यूज करनी पड़ेगी। तो गिवन है हमें एक्स लेस देन ए ग्रेटर देन माइनस ए, और एक्स ये क्या पुट किया था, ए कॉस टू थीटा। तो देखिए यहां पर आ जाएगा ए कॉस टू थीटा लेस देन ए, अब ए से एक कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो आएगा माइनस वन कॉस टू थीटा वन, कॉस में माइनस वन कॉस पाई का वैल्यू है, ठीक है, और ये कॉस जीरो का वैल्यू है। अब कॉस से कॉस कैंसिल करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, जीरो से टू पाई टू थीटा और इधर पाई। अब देखिए हमें निकालना थीटा की वैल्यू है, तो थीटा से टू से डिवाइड कर देंगे तो जीरो, और इधर आ जाएगा पाई बाई टू, तो दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जीरो से पाई बाई टू में फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव, और अगर यही होता कि पाई बाई टू से पाई है तो ये निगेटिव ओपन होता। तो इसीलिए डोमेन का यूज करना क्वेश्चन में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप डोमेन यूज करिए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो बेटा जीरो से पाई बाई टू पे टेन थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहां पर ये मॉड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव ओपन होगा। तो वाई इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी थीटा, और थीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए, एक्स अपॉन ए, ठीक है, वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो यहां पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स वन बाई टू माइनस हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और एक्स अपॉन ए का रीडिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा वन अपॉन ए, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का वन अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज आंसर। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर रूट लेकर के ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो देखिए ये प्रीवियस इयर्स के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल, और ये 5.3 के लिए है। अब देखिए बच्चे सोचते हैं कि हमने एनसीईआरटी कर ली, प्रीवियस इयर्स नहीं किया, तो क्वेश्चन हो जाते हैं, वो तो जरूर जाते हैं, क्योंकि
बोर्ड में ज़्यादा पूछा नहीं जाता क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आपको फोकस करना है तो आप इसे क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से करें। देखिए एक और क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - x² अपौन 1 + x² प्लस sec इनवर्स 1 - 1 + x² अपॉन 1 - x², x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, देन फाइंड dy अपॉन dx। तो बेटा हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², ठीक है। sec इनवर्स का रेसिप्रोकल क्या होता है? cos इनवर्स। तो जब हम sec इनवर्स को cos इनवर्स में लिखेंगे तो बेटा ये रिवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², बिकॉज cos इनवर्स x इक्वल टू होता है sec इनवर्स 1 / x, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 हो जाएगी, बिकॉज sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। देखिए दोनों के एंगल सेम है, दिस इज अ वैल्यू ऑफ π/2। तो dy/dx करेंगे तो π/2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है इसलिए 0। तो ये बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में 5.4 यानी लॉगरिथम एक्सरसाइज का डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन